आरोपी पूरा मामला बांदा जनपद के कमानौडी गांव का है, जहां पर मलही उर्फ पचीनिया पत्नी सुखदेव ने जिलाधिकारी हीरालाल को भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाए जाने की मांग किया और बताया है कि तहसील व जनपद बांदा में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी स्तर पर कब्जा परिवर्तन किया जा रहा है, भूमि व अन्य चकदारों को नहीं किया जा चुका। गाटा संख्या 237 की भूमि पर प्रार्थी को नाप कर अभी तक कब्जा नहीं किया, जिसके लिए आज जिलाधिकारी के पास प्रार्थना पत्र लेकर आए कि हमारी जगह की पैमाइश कर दी जाए ताकि समय से जुताई बुआई की जाए। क्या नाम है आपका? कामसा प्रसाद जी। कौन सा गांव है ये? ग्राम जारी जिला बांदा। आप लोग किसान भाई हैं? जी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी ये है कि हमारी हाल में फसल पड़ी हुई है, चाहे कोई चोरी ले जाए, चाहे कोई आग लगा दे, चाहे कोई भर ले जाए, इसलिए हमको बहुत परेशानी है। रास्ता हमारे यहाँ बनी हुई है तो रोड से कुछ दूर के बाद RCC पड़ी हुई है, इसके बाद कुछ दूर आई है, इसके बाद फिर उसी तरह पड़ी हुई है। न पंचायत मित्र सुन रहा है, न ग्राम प्रधान सुन रहा है और ना ही विधायक सुन रहा है, इसलिए इस रोड को बनवाई जाए। ना हमारा वाहन कोई निकल पा रहा है, ना आदमी निकल पा रहे हैं। जो आदमी आता है तो गड्ढे में घुस जाता है, वो भी नहीं निकल पाता है, और जो वाहन आता है तो वो फंसा 4 दिन खड़ा रहता है, बाद में एजेंसी ले जाना पड़ता है, खराब हो जाते हैं, इतना गड्ढा है यहाँ पर। तो इसलिए इस रास्ते को बनवाया जाए, बस यही हमारी समस्याएं हैं।